आप देख रहे सुपर फास्ट फ्यूचर्स, दो प्रॉब्लम एरिया मार्केट्स के पास अभी। एक तो TCS जो सुबह से दबाव पे है वो कहीं ना कहीं वेट कैरी कर रहा है, और दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक टूटा 10 रुपये और उसका असर है कि अब निफ्टी जो है फिर से लाल निशान में स्लिप हुआ है। लेकिन कुछ मिड कैप आइडियाज पे बात करते हैं, दीपाली मिश्रा के मेरे साथ मौजूद। दीपाली बताएं कुछ मिड कैप शेयर्स जहां पर हलचल बहुत स्ट्रांग है अभी। शुक्र रजत, जो पहला स्टॉक रहेगा जहां पर एकाएक एक्शन देखा गया है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज का। अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो स्टॉक एक अच्छी पोजीशन में लग रहा है, एक पुलबैक मोड में है। डेली चार्ट्स पर भी और आवर्ली चार्ट्स पर भी वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी आज के सेशन में काफ़ी अच्छा रहा है, और पुलबैक मोड में तो है ही डेली चार्ट्स पर, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अपने सभी मूविंग एवरेज यानी 50, 100, 200 डेमा तीनों ही एवरेजेस के ऊपर ये शेयर कामकाज कर रहा है। तो जो पुलबैक मिल रहा है आज डेली और आवर्ली चार्ट्स पर वो और स्ट्रेच हो सकता है। रिमेनिंग सेशन के लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज पर फोकस किया जा सकता है। अभी भी 2.25% के गेंस लेकर ये स्टॉक दिन के उच्चतम स्तरों के नजदीक कामकाज कर रहा है। तो पहला स्टॉक गोदरेज प्रॉपर्टीज का है जहां पर अभी एक्शन देखा जा रहा है मिड मार्केट आज में। दूसरा स्टॉक है गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स का। आप देखिए, पहली चीज तो ये कि जो लॉजिस्टिक स्टॉक्स हैं वो आज बायस के रडार पर है, पूरी लॉजिस्टिक पॉकेट में बाइंग देखी जा रही है। और अगर गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क की प्रिसाइसली बात करें तो रिसेंट एक डाउन मूव के बाद वापस एक पुलबैक ये स्टॉक दिखा रहा है। ये पुलबैक और स्ट्रेच हो सकता है क्योंकि इंडिकेशंस मिल रही हैं डेली चार्ट पर कि एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल ये स्टॉक जो अभी 1-2% के आसपास का दिख रहा है ये और स्ट्रेच हो सकता है। तो एक स्टॉक गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क का होगा जिस पर नजर रखी जा सकती है रिमेनिंग सेशन के लिए। अभी भी 2.25% के गेंस लेकर कामकाज कर रहा है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मोड में यह भी दिखाई दे रहा है। और जो तीसरा शेयर रहेगा गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क के बाद जिस पर आप ड्यूरिंग द सेशन आज के दिन फोकस कर सकते हैं, उस स्टॉक को देख लेते हैं, वो रहे गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स का। इनफैक्ट अगर आप डेली चार्ट्स पर देखेंगे तो ऑलरेडी ये स्टॉक अपने सही मूविंग एवरेजेस के ऊपर कंसिस्टेंटली बीते 1.5 महीने से ट्रेड कर रहा है, लेकिन पिछले हफ्ते हमने देखा था कि जो स्टॉक अपने हायर लेवल से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ था, उस रिट्रेसमेंट के बाद वापस एक पुलबैक ये स्टॉक दिखा रहा है। आज लोअर लेवल से चल सकता है, 4.25% ऊपर अभी भी आ चुका है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इसमें आवर्ली चार्ट पर भी दिख रहा है। तो तीसरा स्टॉक है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स का जहां पर अभी काफी एक्शन देखा जा रहा है, वॉल्यूम्स भी आज आमतौर के वॉल्यूम से ज्यादा है। चलिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज, गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स और साथ साथ गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स दिन के उच्चतम स्तर पे कामकाज कर रहे हैं। लेकिन एक यूनिटेक के संदर्भ में अभी एक खबर आई है, फटाफट से वो भी देख लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 15 करोड़ रुपए जो हैं वो आप गुड़गांव प्रोजेक्ट के होम बायर्स को सितंबर तक दें। बड़ी खबर है क्योंकि कल यूनिटेक नहीं, मैनेजमेंट ने बोल दिया सुप्रीम कोर्ट में कि अगर हमारे पास रकम होती तो हम जो बायर्स हैं उनके लिए घर पहले बनाते, पैसे नहीं है उनके पास, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 15 करोड़ चुकाने होंगे सितंबर तक। मेरे साथ असीम मेरे सहयोगी मौजूद हैं। सती असीम, एक तगड़ा झटका लग सकता है यूनिटेक को, क्योंकि मैनेजमेंट का साफ तौर पर कहना है कि पैसे नहीं है लेकिन 15 करोड़ रुपए चुकाने होंगे और ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। आप जी हाँ, कुछ 2 दिन पहले इस मामले की जो सुनवाई हुई थी तो उस वक्त जो यूनिटेक है उसने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने हाथ खड़े कर दिए थे और कहा था कि उसके पास पैसे चुकाने के लिए नहीं है, लेकिन आज जब सुनवाई हुई तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट मांगी थी कितने इन्वेस्टर्स जो है उनको पैसे वापस चाहिए, तो लिस्ट आई की 38 इन्वेस्टर जो है उनको पैसा जो है रिफंड चाहिए। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप 2 हफ्ते के अंदर अंदर 5 करोड़ रुपए जो है वो चुकाएं और सितंबर एंड तक जो है आप 15 करोड़ रुपए जो है वो चुकाएं, और आप इस मामले की अगली सुनवाई जो है 4 अक्टूबर को होगी। लेकिन अगर सबसे बड़ा सवाल ये उठता कि अगर सुप्रीम अगर यूनिटेक पैसा नहीं चुका पाया तो क्या होगा, अभी हालांकि इसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी है, अगर पैसा नहीं चुकाता तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस जो है वो फाइल होगा और उसके बाद जो 4 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई जो है वो आगे कोर्ट के अंदर होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया इस खबर पे अपडेट देने के लिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 15 करोड़ की जो रकम है वो गुड़गांव के होम बायर्स को प्रोजेक्ट जो इनका डिले है उस पे यूनिटेक को देनी होगी। लेकिन गौरव जी, मैं आप ही के पास आता हूँ। इनफैक्ट आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिर्फ टारगेट स्टॉप लॉस, सर, कोई ट्रेड्स जो आपने आज के लिए आइडेंटिफाई किए? कैन अच्छा लग रहा है, 195 का स्टॉप लॉस होगा, बाय कर सकते हैं। 210 का इसमें लक्ष्य होगा। पीएनबी अच्छा है, 120 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं, 135 का लक्ष्य होगा। और भारत फोर्ज कंसेशन लॉन्ग पोजीशंस बने हैं, 880 का स्मॉल टारगेट और 835 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस। और वैसे भी कल्याणी ग्रुप के स्टॉक्स जो है बाजार में बस कर रहे हैं, आप भारत फोर्ज समझते हैं कि 880 तक पहुंच जाएगा और 835 का एक स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर ट्रेड पे लगाना होगा। अजीत मिश्रा साहब मेरे साथ अब जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं, रेलिगेयर सिक्योरिटी से। अजीत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर, ऑप्शन अगर कोई चुननी हो तो बाजार पे, क्योंकि ऊपरी सिरों पे स्लाइड हुए, तो कोई स्टॉक ऑप्शन आपने क्लाइंट्स के लिए चूज किया यहाँ पे? देखिए रजत, यहाँ पे बजाज ऑटो में काफी दिनों बाद कंसोलिडेशन के बाद एक मूव देखने को मिला है और इंट्राडे में एक एक रिट्रेसमेंट देखने को मिली है, तो यहाँ पे आप बजाज ऑटो की 3000 की कॉल को आप कंसीडर कर सकते हैं बाइंग करने के लिए। रफली 20 के अराउंड पे ये ट्रेड कर रहा है, 13 के स्टॉप लॉस के साथ 35 तक के टारगेट के लिए।
चलिए टू व्हीलर स्टॉक्स वैसे मैं कह रहा हूँ कि बस कर रहे हैं, 3000 की कॉल 18 रुपए में खरीद लें, टारगेट 35 लेकर चलें। बजाज ऑटो की 3000 की कॉल पे स्टॉप लॉस 13 रुपए के आसपास लगे हैं। रेलिगे सिक्योरिटीज की राय, बहुत शुक्रिया सर आपका मैसेज जुड़ने के लिए, और गौरव जी आपका भी शुक्रिया बाजार पे बात करने के लिए, एफएनओ रणनीति बताने के लिए। 8635 के लेवल पे निफ्टी ऊपरी सिरों पर स्लाइड है, इतनी ज्यादा गिरावट नहीं, कंप्लीटली रेंज बाउंड मूवमेंट प्रोटेक्टेड है, 100 अंकों के दायरे में निफ्टी जो है वो कामकाज करता हुआ नजर आएगा, ऐसे ज्यादातर जानकार मानते हैं।